एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा होगे। आप सबको पता है कि गर्मियों के बाद जब पहली बारिश आती है यानी मॉनसून की सीजन स्टार्ट हो जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून फील होता है, क्योंकि पहली बारिश के कारण ना थोड़ी सी गर्मी जो होती है वो कम हो गई होती है। बट मानसून तो अपनी प्रॉब्लम साथ में लाएगा ही, क्योंकि मानसून के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, भेज के बढ़ने के कारण हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होने लगती है, चिपचिपी होने लगती है, कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है। बट अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती होगी, तो गर्मी के कारण हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पोर्स जो है वो भी बड़े दिखने लगते हैं। तो ऐसे में ओपन पोर्स की, दाने की, पिंपल की, और बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैंने 3 से 4 ऐसे ब्यूटी हैक्स बताए हैं जो मानसून के लिए परफेक्ट है। आप ना आँख बंद करके इसको यूज़ कर सकते हो, जिसको जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप ब्यूटी हैक्स फॉलो कर सकते हो, सारे फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको गर्मियों की सीज़न में या तो मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने या तो दाने हो जाते हैं, तो आप ये DIY ब्यूटी हैक जरूर ट्राई करना। आपको 1/4 टेबलस्पून जितना नीम पाउडर लेना है, जो कड़वे नीम के पत्ते होते हैं आप उसको घर पर मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर भी बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून जितना ऑरेंज पिल पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि ऑरेंज पिल पाउडर से क्या होता है कि जो ऑयलीनेस होती है स्किन के ऊपर वो कंट्रोल में आ जाती है, साथ में वो हमारे पोर्स को श्रिंक करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून जितना रोज़ वाटर ऐड करेंगे। अगर आपको रोज़ वाटर सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पर दही भी ले सकते हो। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस तरीके की आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि अपना पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो पूरे फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या तो सिर्फ अफेक्टेड एरिया यानी कि जहाँ पर आपको पिम्पल, दाने या तो एक्ने है सिर्फ वहां पर अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। मैं इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना प्रीफर करूंगी। जस्ट आपको इसे 10 मिनट्स के लिए रखना है, इस तरीके से आपको हफ्ते में 2 बार फॉलो करना है। ये सारे स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, और जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना तो 2 से 3 बार में आपके पिंपल, एक्ने, जो दाने हैं वो धीरे धीरे करके सप्रेस होते जाएंगे। गर्मियों की सीजन में और मानसून की सीजन में पसीना बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि हमारी स्किन में धूल मिट्टी चिपकती है, तो जिससे डेड स्किन बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर अक्यूमुलेट यानी स्टोर हो जाती है, जिससे आपका जो ग्लो है वो कहीं पर दबसा गया होता है। तो ये जो फेस पैक प्लस स्क्रब का कॉम्बिनेशन है ना, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले इसके लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी बेस्ट वर्क करती है, हमारे पोर्स में से जितनी भी गंदगी है उसको निकालने के साथ साथ हमारे टेक्सचर को यानी स्किन को स्मूथ करने के लिए। ये है रेड लेंटिल यानी मसूर दाल का थोड़ा सा दरदरा पाउडर, इसको आप घर पर पीस लीजिए। ये एक एक्सफोलिएटर यानी स्क्रब का काम करेगा, जिससे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स भी इजीली निकल जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर हमें 2 चम्मच जितना दही डालना है। अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, इस तरीके की आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। आप इसको फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, पूरी बॉडी में यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने से पहले आप थोड़ी सी स्किन को वेट कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी स्किन की ऊपरी परत पर कालापन है, सनटेन है या तो डेड स्किन है ना, वो इजिली निकल जाएगी। तो डेड स्किन निकल जाने से आपकी स्किन का जो दबा हुआ ग्लो है वो भी आपको वापस दिखने लगेगा। एक बार यूज़ करने से आपकी जो स्किन टोन है वो एक शेड लाइटन होती जाएगी, साथ में स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड पॉलिश्ड हो जाएगी। तो आपको पता है ना गाइस कि अभी हमारी जो फेस्टिवल की सीज़न है वो जम के स्टार्ट होने वाली है, ऐसे में हम मेकअप करेंगे, राइट? मेकअप का सबसे पहला जो स्टेप होता है, या तो मैं बोलूँ ना सबसे पहली जो प्रोडक्ट हम फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं वो है प्राइमर, राइट? तो आई हैव एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर यू गाइज, द मोस्ट लग्जूरियस प्रीमियम फेस प्राइमर एट अ ब्यूटिफुल प्राइस रेट इज हियर फॉर यू। सो ये है पर्पल ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर, 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल प्राइमर विथ रियल 100% गोल्ड फ्लेक्स विच आर नोन टू गिव अ ब्यूटिफुल गोल्डन ग्लो। इट इज इन्फ्यूज्ड विथ 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स। जो 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्किन को रेडियंट, हेल्दी एंड यूथफुल बनाने में। पार्टिकल से आपकी जो स्किन में एजिंग रिलेटेड साइंस है ना, वो भी धीरे धीरे करके डिले होते जाएंगे। कोलाजन आपका स्किन का बूस्ट होगा, आपकी स्किन फर्म होगी, साथ में ये आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी एनहांस करेगा। तो पोर मिनिमाइजर प्राइमर है, आपके एनलार्ज पोर्स को मिनिमाइज करने के साथ साथ ये ना एक फ्लॉलेस बेस क्रिएट करेगा, जिससे आप ना
बहुत ही इजीली मेकअप ब्लेंड कर पाओगे, साथ में ये आपकी स्किन को इवन आउट करेगा। लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है, आपको बिल्कुल भी मेकअप रीएप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फाउंडेशन को ये काफी लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन के ऊपर इंटेक रहेगा। इतना ही नहीं, ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, ये हाई परफॉर्मिंग प्राइमर है। यहाँ पर मैंने मेरे फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं मेरे फेस के राइट साइड में प्राइमर अप्लाई करूंगी, लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ये प्राइमर की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये प्राइमर नो कितना मैजिकली वर्क करता है वो आपको बताना चाहती हूँ। यानी राइट साइड में मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमर लेकर अप्लाई कर रही हूँ, वो मैट फिनिश वाला प्राइमर है। जबकि मैंने राइट साइड में प्राइमर अप्लाई किया था ना, तो मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा वेल हाइड्रेट स्मूथ हो गई है, साथ में जो पोर्स थे ना मेरे वो भी मिनिमाइज हो गए, मेरी स्किन इवन हो गई है। लेफ्ट साइड में मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया था, वहां पर मेरी स्किन आप देख सकते हो अनइवन होने के साथ साथ काफी डिहाइड्रेट भी है और काफी डल और पैची दिख रही है ना। ये ना क्रीज लेस प्राइमर है, साथ में बहुत ही जल्दी से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहां पर मैं क्या करूंगी कि राइट साइड में जहां पर मैंने प्राइमर अप्लाई किया था वहां पर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, साथ में लेफ्ट साइड में जहां पर मैंने प्राइमर नहीं अप्लाई किया था वहां पर भी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। दोनों का डिफरेंस अभी आपको पता चल जाएगा। तो राइट साइड आप मेरी देख सकते हो कि प्राइमर मैंने अप्लाई किया था और ये प्राइमर के अंदर गोल्ड फ्लेक्स है, जिसे क्या होगा कि मेरी स्किन के ऊपर ब्यूटीफुल शीयर ग्लो आएगा, मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी आपको शाइनी दिखेगी। जबकि लेफ्ट साइड जो है मेरी बहुत ही ज्यादा पेची फ्लेकी आपको दिख रही होगी, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ है, साथ में मेरे पोर्स भी आपको बड़े दिख रहे हैं। इस मॉनसून के सीजन में परफेक्ट है आने वाली फेस्टिवल सीजन के लिए, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल भी करता है, साथ में आपको मैट फिनिश भी देता है। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में मेरा कूपन कोड भी होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना। आपको ये आइस क्यूब जरूर ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप चाहो तो प्लांट के बदले रेडीमेड भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एलोवेरा को 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था उल्टा, ताकि इसमें से जो येलो कलर का जेल था वो कम्प्लीटली निकल जाए, उसके बाद ही हमें इसको यूज करना है। धोने के बाद इसमें से क्या करूँगी कि साइड में से कांटे निकालने के बाद पूरा का पूरा मैं जेल निकाल लूंगी, और अच्छी क्वांटिटी में जेल निकालने के बाद यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून जितना रोज वाटर ऐड करूंगी। दोनों को मिक्स करके इसको मैं आइस क्यूब की ट्रे में ट्रांसफर कर लूंगी। 4 से 5 घंटे के बाद आपकी आइस क्यूब रेडी हो जाएगी। एक आइस क्यूब डेली यूज करने से क्या होता है कि हमारे जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी स्किन फर्म टाइट दिखने लगती है। जिनको पफी आइस की या तो रिंकल्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है, ग्रीसी स्किन है, मॉनसून में आपके यू नो पोर्स बड़े बड़े दिखने लगते हैं ना, तो एक आइस क्यूब आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी ना मॉनसून ब्यूटी हैक्स के ऊपर, वो आज मैंने पूरी कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू सो मच।